लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के उतरने के बाद माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी उम्मीदवार सुनील थोराट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख अपने विचारों को और साथ ही साथ अपने मुद्दों को जनता के सामने रखने की कोशिश की। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उर्मिला मातोंडकर जी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, एक एक्टर है, उन्होंने उनका काम बहुत अच्छी तरह से किया है और आगे भी करना चाहिए, उनको मेरी शुभकामनाएं। गोपाल सेट्टी जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, आमदार रह चुके हैं, लेकिन गोपाल सेट्टी जी ने विकास कहीं किया नहीं है। इसके लिए हमें आम आदमी को इस चुनाव में उतरना पड़ा है, क्योंकि जहाँ जाए वहाँ विकास का जो ये लोग डंका पीटते हैं वो सब झूठा है। और जब तक आम आदमी इस सत्ता में नहीं आएगा, तब तक सही मायने में लोगों का भला नहीं होगा, ये मेरा मानना है। कौन से ऐसे मुद्दे जिसको आप टच करने वाले हैं, ये मुद्दे पहले सॉल्व करने हैं? देखो, सबसे पहले तो मुंबई का मुद्दा कहूँगा तो स्लम का है। अभी तक जो स्लम सरकार के वजह से रुका हुआ है, उसके ऊपर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। लोग अभी तक बख्तर जिंदगी जी रहे हैं। मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया घूम चुका हूँ, मुझे मालूम है। अगर आप मालोनी जाएंगे, आम्बजवाड़ी जाएंगे, वहाँ जिन्होंने ये लोगों ने जो स्वच्छ अभियान का नारा दिया था, मैं कहता हूँ एक बार मोदी जी ने वहाँ जाना चाहिए और स्वच्छ अभियान देखना चाहिए कि सही में उन्होंने, उनके जो सांसद है, उन्होंने स्वच्छता की है, रखी है कि नहीं रखी है। रही बात गोपाल सेट्टी जी की, तो गोपाल सेट्टी जी ने विकास नहीं किया। अब जितना भी बहुजन समाज है, वंचित समाज है, जो सत्ता से दूर था, वो सारा समाज एक साथ आ चुका है और एक साथ आने के बाद अब वो सत्ता में जाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहला जो काम होगा आपका, सांसद बन गए आप, सबसे पहला काम कौन सा करोगे आप? सबसे पहले तो मेरे क्षेत्र में जो भी समस्या है, जैसे कि बस्ती में पानी की समस्या है, मुंबई का अगर इस बस्ती में बोलूं तो यहाँ से सबसे बड़ा जो समस्या है एसआरए का है। ये इनके आमदार और इन खासदार के लोगों की वजह से रुका हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ झगड़े लगा दिए गए हैं आपस में। इसके लिए सबसे पहले तो फोकस मैं वो चीज़ के ऊपर करूँगा कि स्लम का जल्दी से जल्दी विकास हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मुद्दा है KG-PG तक का, मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, KG से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री एजुकेशन मिलेगा, तो इस देश का जो युवा है, जो बच्चे हैं हमारे, अच्छे लिख पढ़ कर बड़े बन जाएंगे और एक देश आगे बढ़ेगा। और तीसरा एक मेरा मुद्दा ये है कि जो गरीब लोगों को दवाइयाँ का जो मसला आता है, एक तरफ से बड़े बड़े हॉस्पिटल है और एक तरफ से BMC के हॉस्पिटल है, BMC में कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके लिए अगर कोई स्लम में रहने वाला सांसद है तो वो इसके ऊपर काम कर सकता है, ये मेरा मानना है। और सबसे पहले मैं वो काम को हाथ लगाऊंगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में जाति मारवाड़ी की संख्या बहुत है, मदार कांटे ले लो, उसके लिए आपने कैसे क्या उत्तर? देखो, अभी जो जाति का जो समीकरण रहता है वो तो हर जगह है, लेकिन इस बार जो समीकरण है ये बदल जाएगा, क्योंकि जितनी भी जाति है इस BJP सरकार को कंटाल चुकी है, इस सरकार से परेशान है। तो ताकि उनको मालूम है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है वो थक चुका है, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। और बड़े बड़े बिल्डर लॉबी भी आप देखेंगे तो वो भी थक चुके हैं, मतलब बिजनेसमैन को इन्होंने ख़त्म किया है। और इस वजह से ही इनके ही लोग उनको इस साल वोट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपके विरोधियों की अगर बात करें तो वो लोग ये कह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो सिर्फ वोट काटने के लिए आई है, उसको किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी वोट काटने के लिए नहीं आते। जब कोई पार्टी बनने के लिए बड़ी बनती है तो हर एक विरोधी यही बात करता है, ये वोट काटने के लिए आता है। हर एक पार्टी का अपना खुद का एक वजूद होता है कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बने, हमारी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी बनेगी, फिर राष्ट्रीय लेवल की, क्योंकि हम अकेले नहीं लड़ रहे, इस महाराष्ट्र के अंदर पूरा समाज एक साथ आया है। इसके लिए पूरे समाज का समर्थन लेके ये वंचित बहुजन आघाड़ी बनी है। तो ये जो विरोधी बोलने वाले हैं तो उनका बोलने का हक है, उन्होंने बोलना चाहिए। जितना बोलेंगे उतने वंचित एक साथ आएंगे और हमें वोट करेंगे। आज आपकी प्रचार रैली का जो रूप था, आज
ये तो सरासर शासन के इस सरकार के तानाशाही है कि जबकि कोई आम आदमी चुनाव में खड़ा रहता है, एक सीएम अगर आता है इस सांसद के लिए मीटिंग करता है तो सारे कैंडिडेट की प्रचार रैली बंद की जाती है, रद्द की जाती है, उन्हें परमिशन नकारा जाता है। ये तो ताना सरकार की सरासर तानाशाही है। मैं इस तानाशाही का सबसे पहले निषेध करता हूँ। आपसे बात करते हैं सर, अब इस चुनाव के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आपकी पार्टी? देखो, हमारी पार्टी जो है पूरे महाराष्ट्र में 48 उम्मीदवार लड़ रही है और ये विकास के मुद्दे के ऊपर है। जो वंचित समाज है, वंचित समूह है, वो तो सारा समूह को एकत्रित करके ये हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ये जो आज तक स्वतंत्र भारत हो गया तब से लेके आज तक जो समूह है, ये समूह वंचित रहा है। सत्ता संपत्ति से इसको बेदखल किया जा रहा था, इसको नकारा जा रहा था। ऐसे समूह का बाला साहब अम्बेडकर ने, हमारे नेताओं ने एक करके ये समूह को प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। और 48 जगह पे ऐसे जो समाज जो बोला जाता था कि भाई ये कोई बकरी पालने वाले है, कोई और कुछ काम करने वाले, जो जिनको बोलता है 12 बलौतेदार, जो आम आदमी जो काम करने वाले, ऐसे लोगों को बाला साहब अम्बेडकर ने टिकट देकर इस समाज को एक न्याय दिया है, इस लोगों को न्याय दिया है। और ऐसे 48 जगह पर ये चुनाव लड़ रहे जा रहा है जो वंचित है, सही माने में जो वंचित है। ये बाला साहब अम्बेडकर जी ने घरानेशाही का घरानी जो शाही देश में महाराष्ट्र में चल रही है उसको नकारते हुए ऐसे वंचित समूह को प्रतिनिधित्व दिया है। जो पब्लिक है, आम पब्लिक, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगी? एक तरफ भारतीय बीएसपी से खड़े हुए, एक तरफ आप लोग खड़े हुए, तो जो आम जो जनता है नहीं, आम जनता को मालूम है, सारा समाज अभी बाला साहब के पीछे खड़ा है। और रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी तो हर बार कैंडिडेट अपना खड़ा करती है, उनको कितने वोट मिलते हैं आपको भी मालूम है। लेकिन बाला साहब ने जो आवाज़ दिया है लोगों को, वो आवाज़ के ऊपर सारे लोग खड़े हुए एक साथ, और इस चुनाव के दौर पे आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है हिंदू तो जो हिंदू है, मराठा हो गए और भी कई सारे कास्ट है, तो ओबीसी के ओबीसी को देख के आपको वोट देंगे? नहीं, ओबीसी तो देखो, ओबीसी तो कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, वो तो बैरिस्टर है। काफी सारे विवाद होते हैं? नहीं, विवाद नहीं, जो आदमी अच्छा काम करना लगता है उसके ऊपर विवाद होते हैं। और रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व के लिए हम कुछ, हमारे साथ में भी हिंदू है, जो वंचित समाज है, वंचित समाज में तो हिंदू आते हैं सारे, मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी बनी उसके लिए है कि सारे समाज को साथ में लेके आगे चलना है। जो सत्ता से बेदखल थे उनको सत्ता में लाने के लिए सारे वंचित एक आ गए और आगे चल रहे। अभी पड़लकर है, भिंगे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट है, सारे कैंडिडेट को प्रतिनिधित्व मिला है, और मुझ जैसे एक साधारण आदमी को बाला साहब ने टिकट दिया है, तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है बाला साहब की। बीएसपी से और आरपीआई से कितना टकरा होने वाला है? देखो, आरपीआई के जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ है, उसमें से भले रामदास जी आठोले बीजेपी के साथ है, लेकिन उनके वोट उनके वंचित समाज को ही, वंचित बहुजन आघाड़ी को ही मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये तो छोड़ो, मराठा, जिन मराठा की मैं बात कर आप बात किया, मराठा जिस अपने यहाँ के जो सांसद है गोपाल शेट्टी, उन्होंने तो पहले बोल दिया कि मुझे मराठी वोटों की जरूरत नहीं है, तो वो मराठी वोट जाएंगे कहा, तो वो तो मराठी वोट के पीछे आएंगे, जो मराठी कैंडिडेट रहेगा उसको मिलेंगे। और मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मराठी वोट ले लूँगा, मराठा समाज मेरे पीछे कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ काम कर रहा है। उत्तर मुंबई की जिले की अगर बात करें तो पहले सीधा लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में थी, जब से आपकी एंट्री हुई है तब से भगवा बनाम नीला रंग हो गया है, कहाँ देख रहे हैं आपको इस कितना टक्कर दे पाएंगे? देखो, अभी तो मेरे कार्यकर्ता जितने भी है, जो युवा वर्ग है, वो सब एक साथ काम करने के लिए जुटा है, और सबको ऐसा लगता है कि हमारे समाज का सांसद, हमारे समाज का कैंडिडेट संसद में पहुंचना चाहिए, उसके लिए सबकी तैयारी चल रही है। और मैं दावे के साथ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इस बार परिवर्तन होगा और बाला साहब अम्बेडकर के कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे संसद में पहुँचेंगे। नीला रंग का कितना भागीदारी होगा? नीला रंग की भागीदारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ओके, आपको गोपाल शेट्टी पसंद है या अकबरुद्दीन ओवैसी? नहीं, मैं तो ओवैसी साहब के फेवर में बात करूँगा, क्योंकि हमें तो लिखे पढ़े लोगों की ज़रूरत है,
तो इसके लिए ओबीसी साहब ही मैं पसंद करता हूँ। लेकिन वो तो भड़काने वाली बात नहीं, वो कोई भड़काने वाली बात नहीं, वो यार कोई भी मीडिया आता है कुछ भी बोल देते हैं। अभी वो तो मीडिया का काम है भड़काने का, मीडिया का काम है बोलना। ओबीसी साहब ने ऐसा कौन सा भड़काऊ भाषण किया, जो बात है वो रियल फैक्ट की बात करते हैं ना, उनको आप सुनते नहीं है। मीडिया ने सच्चे लोगों की बात सुननी चाहिए और वही बात लोगों के पास और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। नहीं नहीं देखो, हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, वो जो उनको पसंद आता है वो उनके तरह से बात करता है। मेरे बात करने का ढंग अलग है, हो सकता है मेरे वार्ड अध्यक्ष है उनके बात करने का ढंग अलग है, तो यही तो अपने अपने ट्रेजेडी होती है। देखो आम सभा की बात मैं करूँगा तो 26 तारीख को शायद बीकेसी में सबसे बड़ी हमारे जो मुंबई के 6 कैंडिडेट है उनके सब 6 को लेके पूरे बाला साहब सभा ले रहे बीकेसी में। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे, वो शक्ति प्रदर्शनी है ऐसा समझो। देखो क्या है, बाला साहब अम्बेडकर ने पूरे महाराष्ट्र का अंदर 47 सीट डिक्लेयर की थी। अब 48 सीट जो है वो नॉर्थ मुंबई थी, ये बची थी क्योंकि यहाँ कैंडिडेट लेट मिला है। और जब ये 47 सीट वहाँ डिक्लेयर हुई, ये 48 जो सीट थी ये मुझे डिक्लेयर हुई, और जबकि मेरी उम्र भी 48 है और मेरा चुनाव निशान है वो 8 नंबर है। इसके लिए बाला साहब ने भी सोच के कुछ ये उत्तर मुंबई का कार्ड खेला रहेगा, ये मेरा कहना है। और मैं अपील करता हूँ कि लोग अभी उत्साहित है, प्रेरित है, और लोगों को एक साथ ये लोग अभी सारे एक साथ आ गए। मैं जहाँ जहाँ भी घूम रहा हूँ बड़ा समर्थन लोगों का मिल रहा है, और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोगों ने खुद चुनाव के लिए उतरना, वोटिंग के लिए उतरना चाहिए, मतदान के लिए उतरना चाहिए, और आने वाले 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा भारी वोटों से जिताना चाहिए कब्बसी को। धन्यवाद।